झारखंड राज्य में जीवीदा हसा परियोजना कुशल जल छाजन प्रबंधन द्वारा जीवन, जल, जमीन संसाधन और उस पर आधारित आजीविका को पुनर्जीवित कर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी, आदिम जनजाति एवं समाज के अन्य वर्गों के लोगों के पारिवारिक जीवन में सुधार ला रही है। जीवीदा हसा परियोजना के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी संकलित दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है। प्रत्यक्ष रोजगार, मृदा एवं जल संरक्षण तथा जमीन की उपजाऊ क्षमता सुधारने के लिए सशक्त कार्य किए जा रहे हैं। एक समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तत्वों को मद्देनजर रखते हुए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को टिकाने और बढ़ाने के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के साथ साथ उचित प्रकार के पौधों और घासों का रोपण करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पानी को रोकने के लिए उचित संरचनाएं बनाना। सही संरचनाओं तथा उचित वृक्षारोपण का चयन जमीन की स्थलाकृति और मिट्टी के निरीक्षण से निकले हुए निष्कर्षों के आधार पर किया जाता है। इस तरह के समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए हमें जमीन और मिट्टी को अच्छी तरह से समझना होगा, जैसे कि भूमि की ढलान कितनी है, मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी की गहराई कितनी है, क्या खेती हो रही है, क्या जंगल का इलाका है या बंजर जमीन है, यानी भूमि का उपयोग किस तरह किया जा रहा है, पानी की कटाव की स्थिति क्या है, क्या ये चादरनुमा कटाव है या गलीनुमा कटाव है या बड़ा नाला बन चुका है। भूमि और पानी के बहाव को समझने के बाद अगला कदम है सही उपाय का चयन, जिससे वर्षा का पानी जो उपजाऊ मिट्टी बहा ले जा रहा है उसे रोका जा सके, पानी की गति को कम किया जा सके जिससे रुका हुआ पानी जमीन में अवशोषित हो सके। सबसे पहले जमीन की ढलान को नापना जरूरी है। इससे हमें अंदाज लग जाता है कि पानी कितनी तेजी से गुजरेगा। जमीन की बाकी विशेषताओं के अलावा जमीन की ढलान ही है जो यह तय करती है कि वहां पर किस तरह के उपाय की जरूरत है। जल छाजन के काम की सबसे प्रभावशाली पद्धति है चोटी से घाटी तक। चोटी से घाटी प्रणाली का मुख्य तत्व यह है कि पानी की गति को कम करने या उसे रोकने का काम उसी क्रम से करना चाहिए जिस दिशा में पानी बह रहा है। उदाहरण के तौर पर चोटी की ढलान अगर 20% से ज्यादा हो तो वहां कोई भी संरचना देना उचित नहीं है। ढलान अगर ज्यादा है तो संरचना का टिकना मुश्किल होता है। ऐसी जगह पर पौधे या झाड़ियां लगाना उचित है जिससे पेड़ों की जड़ें मिट्टी की पकड़ बनाए रखें। पेड़ और झाड़ियां पानी के बहाव की तीव्रता को धीमी करते हैं। 8-20% ढलान वाले क्षेत्र में कंटीन्यूअस कॉन्टोर ट्रेंच या CCT और स्टैगर्ड कॉन्टोर ट्रेंच या SCT जैसी जल संचयन संरचनाओं के अलावा फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद, नींबू और इमारती पौधे जैसे सागवान, गमहर आदि का रोपण किया जा सकता है। 3-8% ढलान के क्षेत्र में ट्रेंच कम बंड या TCB और 30x40 मॉडल जैसी संरचनाओं के साथ वृक्षारोपण किया जा सकता है। इन उपायों से मिट्टी का कटाव रोकने के साथ साथ भूमि की नमी को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। 2-3 वर्षों के अंदर ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और जल धारण क्षमता भी काफी बढ़ जाती है। जहां पर जमीन की ढलान 1-3% हो वहां जल संचयन संरचनाएं जैसे फार्म पॉन्ड, डोभा, तालाब, डाइवर्जन कनाल आदि बनाए जा सकते हैं। ऊपर की ढलान में बनी हुई संरचनाओं से नीचे की जल संचयन संरचनाओं को पानी बराबर मिलता रहता है जिससे बारिश के बाद भी खेतों की सिंचाई का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। जिस जमीन की ढलान 1% या उससे भी कम हो उस क्षेत्र में सीपेज पॉन्ड या टैंक या रिंग वेल जैसी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। इनमें सालों भर पानी टिका रहता है। साथ ही जहां बारिश का बहता पानी
मिट्टी की लगातार कटाई से नाला बन गया हो, वहाँ पानी के बहाव को धीमा करने के लिए और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता होती है। जहाँ नालों में पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव गहरा है, वहाँ लूज बोल्डर स्ट्रक्चर या LBS, गार्ड वॉल, रिवरसाइड तटबंध और गेबियन जैसी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। जमीन की निचली ढलान में जहाँ नालों में पानी का बहाव बहुत धीमा होता है, वहाँ ब्रशवुड चेक डैम, RCC चेक डैम और डाइक जैसी जल संरचनाएं बनाई जाती हैं। इन सभी उपायों का उद्देश्य एक ही है, जल जीवन और जमीन का संपूर्ण रूप से संरक्षण और संवर्धन, ग्रामीण क्षेत्रों की सतत आर्थिक समृद्धि के लिए और प्राकृतिक संसार में लंबे समय तक चलने वाले स्थायी प्रभाव के लिए। इस परियोजना का लक्ष्य कम से कम 1,00,000 छोटे और सीमांत परिवारों की आय को दुगुना करना है। जीवीदाहसा परियोजना के अंतर्गत गांव के ग्रामीण मनरेगा के द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ कृषि आधारित स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर अपने गांव के विकास में भी एक अहम योगदान दे रहे हैं। जीवीदाहसा को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में झारखंड सरकार, मनरेगा और भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन, वेल्ट हंगर हिल्फे, SBI फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और 12 नागरिक समाज संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है।